माइकल वॉल ने भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट से पहले सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की है, जो फैंस के बीच खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल माइकल वॉल ने तस्वीर के सहारे चौथे टेस्ट में पिच की हालत कैसी होगी उसको लेकर तंज कसा है। वॉल के द्वारा शेयर की गई तस्वीर खूब वायरल हो रही है। इंग्लैंड पूर्व कप्तान ने उबड़ खाबड़ पिच की तस्वीर शेयर की, जिस पर वो बल्लेबाजी का अभ्यास कर रहे हैं। तस्वीर शेयर कर पूर्व कप्तान ने लिखा, चौथे टेस्ट के लिए तैयारी हो रही है। फैंस तस्वीर पर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं और साथ ही इंग्लैंड की हार को लेकर भविष्यवाणी भी करते दिख रहे हैं। बता दें कि तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड की हार के बाद इंग्लैंड पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने पिच को लेकर आपत्ति जताई थी और पिच को लेकर बेहद ही खराब बताया था। इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज वॉन ने टेस्ट क्रिकेट के अनुकूल पिचे तैयार नहीं करने के लिए BCCI की आलोचना भी की थी। वॉन सोशल मीडिया पर चौथे टेस्ट की पिच को लेकर बात कर रहे हैं और साथ ही कई तरह की दिलचस्प तस्वीर भी शेयर कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की थी, जिसमें खेती करते हुए एक किसान को दिखाया गया था। वॉन ने लिखा था, मैं रिपोर्ट कर सकता हूं कि चौथे टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से आगे है। सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच 4 मार्च को यानी कि कल खेला जाना है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह फाइनल करने के लिए टीम इंडिया को चौथा टेस्ट मैच जीतना होगा। इंग्लैंड की टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की रेस से बाहर हो चुकी है।